न्यूजीलैंड आम इंतखाबात में सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी को मिली वाज़ह अक्सरियत। वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डन की क़यादत में दर्ज की गई शानदार जीत। कोविड बहरान से कामयाबी से निपटने पर आवाम की मिली हिमायत। गुज़िश्ता 10 सालों में पहली दफ़ा न्यूजीलैंड में बनेगी सिंगल पार्टी की हुकूमत। अज़रबैजान के सदर इलहाम अलीयेफ ने गांजा शहर में हुए हमले का इंतकाम लेने की धमकी। आर्मेनिया हमले में बच्चों समेत 12 अफराद हुए हैं जांबहाक। हमले में रिहायशी इलाके के कई घर हुए तबाह। 40 से ज्यादा अफराद के जख्मी होने की खबर। सभी महलूकीन को किया गया सुपुर्द खाक। जिनसे इस्तेसाल और औरतों के खिलाफ होने वाले जराइम के खिलाफ ढाका में ख्वातीन ने निकाला एहतजाजी मार्च। गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाली ख्वातीन ने निकाला मार्च। वर्किंग प्लेस पर साजगार माहौल पैदा करने और तहफ़ फराहम किए जाने का किया मुतालबा। पाकिस्तान के गुजरावाला शहर में हिजब अख्तलाफ ने दिखाई अपनी ताकत। वजीर आजम इमरान खान के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर किया गया पुरजोर एहतजाज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने किया रैली का खिताब। आर्मी चीफ अमर जावेद बाजवा पर लगाया उनकी हुकूमत का तख्ता पलट करने का इल्ज़ाम। मरियम नवाज, बिलावर भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी एहतजाज में हुए शामिल। 7 माह बाद मराकश में अदा की गई जुमे की नमाज। लॉकडाउन के बाद पहली दफा नमाजियों ने मस्जिदों में अदा की जुमे की नमाज। वाज़ह के चंद माह कबल ही मुल्क में कुछ मस्जिदों को जुज़वी तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन जुमे की नमाज पर बदस्तूर पाबंदी आयद थी। मकबूजा मगरबी किनारे में फिलिस्तीनियों और यहूदी शहरियों के दरमियान हुआ तसादुम। जैतून की फसल कटाई के दौरान हुआ तसादुम। फसल की कटाई के दौरान इससे कबल भी फरीकैन बाहमी मुतसादिम होते रहे हैं। फसलों के मालिकाना हकूक को लेकर होता जा रहा है तनाजा। बेलारूस में जारी है हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला। राजधानी मिन्स्क में सैकड़ों खातिन ने सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ निकाला मार्च। हाथों में फूल लिए खातिन सदर लुकाशेंको के खिलाफ कर रही थी नारेबाजी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए फ्रांस हुकूमत ने कैफे, रेस्टोरेंट और शराबखानों को बंद करने का किया ऐलान। आइंदा एक माह तक बंद रहेंगे फ्रांस के रेस्टोरेंट, बार और कैफे। पाबंदी से कबल कैफे और बार में उम्र सार्फिन की भीड़। अमेरिका के सदारती इंतखाबात की इब्तदाई वोटिंग ने तोड़े सभी पिछले रिकॉर्ड। 2.25 करोड़ से ज्यादा राय दहिंदगान अब तक कर चुके हैं हक के राय दही का इस्तेमाल। वोटर्स मेल के जरिए या फिर जाते तौर पर पोलिंग सेंटर पर जाकर कर रहे हैं वोट। 2016 के सदारती इंतखाब में इस वक्त तक सिर्फ 60 लाख राय दहिंदगान ने डाला था वोट। और 26 सालों बाद जनूबी अफ्रीका में फिर से नस्ली कशीदगी पैदा होने का इम्कान। सफेद फार्म किसान के कत्ल से पैदा हुई कशीदगी। 2 स्याह फार्म शख्स पर है कत्ल का इल्ज़ाम। मामले की समाअत के दौरान अदालत के बाहर सफ़ेद 2 स्याह फार्म मुजाहरीन के बीच हुई झड़प।